back to another video और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है चांदनी चौक दिल्ली फूड पाकिस्तानी विजिटिंग इंडिया। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लिंक से पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए मैं ब्लॉग चैनल का रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। टाइम एवर पाकिस्तानी फूड ब्लॉगर इन इंडिया। देखो कुत्ते भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, कुत्ते भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। हां भैया अगर मार देता तो वो फिर ऐसे ही मारेगा। इतना रश है यार कि चल जाएगा। क्या नाम है? लो भाई उबर ऑर्डर कर दी है चांदनी चौक के लिए, 7 मिनट दूर है। ये आ रहे हैं हमारे कोई राहुल भाई, राहुल कायल वो आ रहे हैं। तो आज आपको बहुत ही स्पेशल जगह का विजिट कराने लगे हैं। चांदनी चौक सारे इस नाम से वाकिफ हैं। हाँ जी भैया, क्या हाल है? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हम जा रहे हैं सबसे मशहूर जगह, ना सिर्फ भाई दिल्ली की बल्कि इंडिया की। ऐसे ही है भाई, और बहुत ही बढ़िया भाई मेरे साथ हैं, बड़े प्रोफेशनल उबर ड्राइवर हैं। राहुल भाई, राहुल नाम तो जानते ही हो गए हैं, कुछ कुछ होता है कितनी फिल्मों में भाई आपको लोग, लेकिन नाम बड़ा यार फिल्मी है। राहुल भाई बड़ा मार्शास लगा के प्रोफेशनल तरीके से ऊपर चलाते हैं। क्या बात है राहुल भाई, हो कहाँ के आप? यूपी का गए हो मिर्जापुर में? नहीं, अम्बेडकर नगर का। कहाँ पे? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर कितना दूर है मिर्जापुर? मिर्जापुर तो भैया यहीं से, वहाँ से हुआ मान के चलो 200 किलोमीटर गया। बस 200 किलोमीटर तो मिर्जापुर से हम 200 किलोमीटर दूर है। तब आपको दिखाते चांदनी चौक जाते हुए रास्ता, आधा घंटा दूर है हमारे घर से। ये लड़ाई हो गई भाई, गाड़ी वाड़ी ठुक गई है, बाइक वाले ने ठोक दी गाड़ी। ये भाई शुरू हो गया ओल्ड दिल्ली का एरिया, अब हम एंट्री ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम एवर भाई हम आपको दिखाने लगे हैं, मतलब मेरे लिए क्या बात। और ओल्ड दिल्ली की खासियत ये है, यहाँ पे वो साइकिल रक्षा चलता है भाई, है ना, बस यही चलता है ना, और तो मैंने देखा नहीं। हाँ ये देखो भाई, हाँ एक एक साइकिल रक्षा इलेक्ट्रिक वाला भी खड़ा हुआ है, ये खड़े वो हौले हौले से हवा चलती है वाला। और ये शाहरुख खान का घर यहाँ कहाँ होता था? हाँ यही है ना पुरानी दिल्ली, यही तो है। हाँ हाँ देखो कुत्ते भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, कुत्ते भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। यार कुत्ता वैसे वाकई ज़ेब्रा क्रॉसिंग। यार राहुल भाई वो भी ट्रैफिक का पालन कर रहा है भाई। ये देखो कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से पुरानी दिल्ली, ये देखो ओल्ड सिटी। क्या है ये? हाँ अच्छी, ये पीछे वाली साइड, मैं तो उधर से चांदनी चौक वाला साइड देखा था, वो तो बहुत भीड़ भाड़ वाला है भाई। ये साइड वाला है। अच्छा 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 अच्छा, बैक इसके पीछे है। ओके लो भाई ये ऐतिहासिक लाल किला, और वो देखे ऊपर तिरंगा। भैया आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक राजपूत, यही था वो बंदा जिसे मैं ढूंढ रहा था। अभिषेक भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। ये अभिषेक भाई कह रहा है यहाँ बंदे को जानता हूँ मैं, फिकर ना करो, कोई यहाँ पे गाइड चाहिए, कोई चीज चाहिए, सब पता है भैया आपको है? ये देखो भैया बहुत रश है, बहुत रश है भैया, क्या बात है। ये देखो भैया हम तो राहुल भैया के साथ टैक्सी में आया है, ठीक है, लेकिन राहुल भैया मेट्रो सीधी सीधी आती है। मेट्रो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओ अच्छा, जहाँ से मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई टिपिकल चांदनी चौक का ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया है। राहुल भैया ने कहा मत बोलो ऐसे कि ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, फंस जाओ, वही हुआ। खड़े हुए वो, खड़े चले गए वो, ऐसे अंदर मतलब हर टाइप की ट्रैफिक है। राहुल भैया कह रहा है मेरा रोज का, राहुल भाई रोज का काम है यहाँ पे आना है, रोज का है भाई, रोज का है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। तो अगर कोई परेशान हो रहा है कि यार ये फंस गए तो परेशान नहीं होगा। ये देखो निकाल दी राहुल भैया, राहुल भैया अगर मार देता तो वो फिर ऐसे नहीं मारेगा।
चांदनी चौक, अल मशहूर चांदनी चौक, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक से क्या था बना भैया, वो चांदनी के चमचे से चटनी चटाई वाला आई। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। ये है भाई, ये मशहूर भाई। इस टाइम मैं मौजूद हूँ द वन एंड ओनली लेजेंडरी, क्या कहूँ इस जगह को, चांदनी चौक। ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में ये जगह मशहूर है। वो क्या था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में बनी क्या चटनियां चटाई। तुमसे ना हो पाएगा। जो भी था, लेकिन अभी इतनी दुकानें हैं यार, ये आप रश देख सकते हैं। ये वो जो है हौले हौले से हवा चलती है भाई, भाई है इनके साथ, अनुष्का शर्मा भी आई थी, लेकिन ये नाराज हो गए हैं, भाई नहीं बात करते। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं अगर अनुष्का शर्मा मेरे साथ बैठती सेट हो जाते हैं, काम सेट हो जाता आपका। भाई क्या नाम है आपका? प्रकाश। अच्छा भाई, यहाँ बड़ी फेमस एक दुकान है जलेबी वाली, प्रकाश भाई क्या नाम है दुकान का? जलेबी वाले। जलेबी वाले 100 साल पुरानी है तकरीबन, 100 साल पुरानी है। खाते हैं, चेक कराते हैं यहाँ, 100 तरह के खाने हैं, तो देखते हैं यहाँ के खाने कैसे हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मीठे से, हालांकि मीठे से स्टार्ट होता नहीं है, फिर भी करते हैं। आए मुझे फॉलो करें, मैं दिखाता हूँ। इतना रश है यार के ये है लेजेंडरी जलेबी वाला, समोसे वाला। तो अब आपको दिखाते हैं क्या है ये, देखो भाई ओल्ड जलेबी वाला, द फेमस द लेजेंडरी। अच्छा दुकान इन्होंने वही रखी हुई है, ये नहीं कि 4-5 दुकानें कर दी, वही छोटी सी शॉप है। और ये भैया फैमिली का इनका बिजनेस है, और इनके जलेबी और समोसे वाला। ये देखो भैया बैठे हैं ऐसे, सीसी की छोटी सी दुकान है, सीसीटीवी का भी लगाया हुआ है इन्होंने। 1884। अबे भाई ये तो दादा भी नहीं हमारे घर में पैदा हुए थे तब की दुकान है। क्या नाम है भाई इनका? नैनचंद जैन जी के। देखे जो उन्होंने आपको वो दिया था टेस्ट, वो आज तक बरकरार है भाई, क्या बात है। नैनचंद जैन जी, वो देखे उनकी तस्वीर लगी हुई है, तो हाइजीनिक बड़ा ख्याल रखते हैं। कितना साफ तेल है देखे भाई, कितना साफ है यार। घी है ये देखे भाई, घी इतना साफ सुथरा रखा हुआ है, हालांकि सारा दिन जलेबियां बनती है। और ये शीरा है जिसमें जलेबियां मीठी होती है, तो आपको दिखाते हैं यार क्या सीन है। भाई मैं वहाँ चला गया जलेबी लेने, वो कहता लाइन में लगो, तो ये वो सीन नहीं है, गए और मिल गई। तो यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सब बराबर है, कोई सीन नहीं है। तो 8-10 बंदों की लाइन है, जैसी लाइन खत्म होती है फिर आप जलेबी भी लेंगे, समोसा भी लेंगे, और आपको टेस्ट कराएंगे। ये बड़ी डिफरेंट तरह की, अभी ऐसी खाई नहीं मैंने लाइफ में। बहुत रश है भैया, बड़ी देर में बारी आई है, अभी नहीं आई, अभी है 4-5 लोग। तो इनकी स्पेशलिटी है भाई ये जलेबी और समोसा, और जलेबी के ऊपर ये क्रीमरी डाल के देते हैं ये वाली, ये काफी। एक तो ऐसी जलेबी भी खाई ऊपर से, ये पता नहीं ऊपर क्या डाल दिया, रबड़ी वाली। तो भाई ये ट्राई करते हैं, देखते हैं आपको बताते हैं क्या है। फिर चम्मच से नहीं, हाथ से यार, हाथ से करेंगे भाई। ओए होए होए होए, बहुत मोटी है भैया जलेबी और ये रबड़ी। भैया की स्कूटी इस्तेमाल कर रहे थे। ओए होए 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 भैया, अब पता नहीं ये भैया की मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत नहीं, इनकी मोहब्बत है, लेकिन आपका भी प्यार है भैया, आपकी स्कूटी का भी है, जगह का भी असर पड़ता है। तो भाई इनके स्कूटी पे रख के खाया, मजा दुबारा हो गया, क्या बात है सर। आप जरा एक टेस्ट करें फिर बताएं जरा क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया जी, ओल्ड इज गोल्ड है, और देसी घी के मजे हैं, देसी घी के। अच्छा ये स्वीट भी बड़ी बराबर की स्वीट है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा या बहुत। हाँ स्वीट जो इसमें ऊपर ये डला हुआ है रबड़ी, रबड़ी। हाँ। ये भी ज्यादा स्वीट नहीं है, स्वीट नहीं है, ये बात है यार। ये भाई पुराने यार, कब से आ रहे हैं? मेरी तरह ही है यार। अच्छा मेरे तो आप सही रिव्यू दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये दिल्ली की है? ये दिल्ली के यार, लेकिन दिल्ली के होके पहली दफा आ रहे हैं। अच्छा चलो खैर, नहीं रेगुलर नहीं आए हूँ, ये तो बहुत साल पहले आए, बहुत साल याद ही नहीं, रिसेंटली अभी आए भाई। इससे दिल नहीं भर रहा, हालांकि मैं मीठे का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग ऐसे यार। ओए होए होए, इस भाई ने कहा था खाओगे तो उंगलियां चाटोगे, मैं क्या ऐसी बात है, सही कह रहा है ये वाला भाई, सही है ये भी। अच्छा भाई ये दो इनके समोसे हैं, एक आलू वाला एक मटर वाला, तो हम दोनों ट्राई करेंगे। जलेबी तो भाई मैं कहता हूँ नंबर देना ना इंसाफ ही है भाई,
क्योंकि जितना है वो जबरदस्त है। अब समोसा खाते लेकिन देखते हैं वो वर्थ इट है कि नहीं। सबसे पहले हम खाएंगे आलू वाला। भाई जहाँ वीडियो बनाना भी मसला है, ट्रैफिक जाम चीजें भाई, यहाँ लेना समोसे वो तो एक आर्ट है ही है, तो खाना भी एक आर्ट है। ये देख ले क्या हो रहा है, किसी की बाइक यूज कर रहा हूँ मैं। मटर वाला आलू वाला ज्यादा अच्छा, मुझे भी आलू वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पहला एक्सपीरियंस चांदनी चौक का बहुत बढ़िया रहा आलू वाला, तो आई होप आप आएंगे, आपने एंजॉय की होगी वीडियो। ये जो एनवायरनमेंट है ना असल नंबर उसके हैं भाई, जलेबी बहुत अच्छी थी। तो अब हम चलते हैं अगली जगह, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और इस बंदे जो है ना इसने क्या आपका चल जाएगा चैनल ऐसे ही चल जाएगा चल जाएगा। क्या नाम है? यार ये कह रहा है वो नाम का ऋतिक है, असल ऋतिक ये है, ये स्टाइल वाला देख गया जबरदस्त। ये भाई नए मूवी यार क्या क्या खाए बंदा, यहाँ प्योर वेज या वायरल, ये देख सकते हैं इनके समोसे छोले भटूरे, यार ये बड़े बढ़िया बना रहा है। एक चीज हमेशा से मुझे अच्छी लगती है कि भाई बड़े शहर जो होते हैं ना वो आपके वो ना अपने रंग में रंगना जो है ना वो शुरू कर देते हैं। वहाँ का जो एक लाइफस्टाइल होता है ना वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लुभाता है। और खासतौर पर शहर अगर दिल्ली जैसा हो या मुंबई जैसा हो तो मेरा ख्याल है भाई वो एक अलग ही वाइब होती है। और मैं ये बात बोलूँगी कि हम लोगों ने इतने सारे ब्लॉग्स देखे हैं दिल्ली के और इवन के, जिसमें चांदनी चौक, रेड फोर्ट एरिया, मतलब लेकिन हर ब्लॉग में ना हम लोग एक अलग ही मज़ा आता है देखने का। और मैं वैसे इस चीज़ से अग्री करूंगी कि जो वाइब एक्चुअल में होती है ना वो वहाँ के रहने वाले लोगों की होती सही है। बात है। तो जिस तरह से हम लोग इंडिया के बड़े बड़े स्पेशली शहरों को देखते हैं कि वो इतने बिजी प्लेसेस हैं और जैसे वहाँ पर गहमा गहमी आपको नजर आती है, चाहे वो शॉपिंग एरिया है या फिर वो खाने पीने का एरिया है, तो मतलब लोगों की वो कहते हैं ना कि गहमा गहमी नजर आना, उससे ही बहुत इंसान पर भावत होना शुरू हो जाता है। तो मुझे ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा पसंद आता है। मुझे जो है ना वाकई चीज बहुत अच्छी लगती है कि भाई अगर आप बाजार जाते हैं ना तो भाई आपको रश देखने को मिले, ये नहीं कि भाई आपको थोड़े से लोग जो है वो देखने को, बाजारों का मजा ही तब आता है जब वहां पर आपको जो है ना एक भीड़ जो है वो देखने को मिले, ट्रैफिक जाम होता हुआ आपको दिखाई दे। क्योंकि जैसे भी वो गए हैं बाजार में तो आपको जो है ना अच्छे खासे लोग जो हैं पुरानी दिल्ली में जो है घूमते हुए नजर आते हैं। हालांकि पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक कोई शक नहीं बहुत ज़्यादा फेमस है, खास तौर पर जब से उसका रेनोवेशन हुआ है उसके बाद से कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया है। फिर उसके बाद उस गली के खाने बहुत ज़्यादा फेमस है जो पुरानी दिल्ली है। यार मैं बोलूँगी एक तो सबसे पहले मुझे ट्रैफिक जाम में बिल्कुल भी फंसने का शौक नहीं है, फंसने की बात नहीं कह रहा। नहीं देखें अब जैसे क्या नाम अभी ये बाजार गए हैं ठीक है ना, अब बाजार में लोग ही नजर ना आए तो भाई फिर वो बाजार किस नाम का? नहीं मैं ट्रैफिक की बात कर रही हूँ, मेरे ट्रैफिक में फंसने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि चांदनी चौक जो है वो पहले से ही बहुत फेमस था, रेनोवेट किया गया, उसको थोड़ा और एक्सपेंड किया गया वो एक अलग बात है। बट आई थिंक अगर हम चांदनी चौक की बात करें तो वो हम बहुत अरसे से मूवीज में जो है वो देखने सुनने को मिलता है। दूसरा मुझे लगता है कि भाई साहब काफी ज्यादा फिल्मी है, बॉलीवुड के काफी ज्यादा ना शौकीन है। वो कौन नहीं है बॉलीवुड, तो भाई आजकल पाकिस्तान में जब से ओटीटी पे एनिमल आई है उसकी बड़ी धूम मची हुई है पाकिस्तान में। मैंने नहीं देखी, मैं जहां पे भी जाता हूँ हर बंदा मुझे पूछे एनिमल देख ली, एनिमल नहीं भाई अभी नहीं देखी मैंने। बहुत अच्छी मूवी है। खैर अभी हम बात करें इस व्लॉग की, और मैं ये बात बोलूंगी कि वहां पर तो चले उबर वाले अच्छे हैं कि भाई वो लोग चले जाते हैं, यहाँ पर तो जब आपने शालमी जाना हो तो उबर वाले कैंसिल कर देते हैं, बामुश्किल आपको ऑटो वाला जो है वो मतलब आपकी जो राइड है वो पिक कर लेगा। अदरवाइज अगर आप ये सोचो ना कि गाड़ी वाला जाएगा तो नहीं, गाड़ी वाले तो गाड़ी वाला भाई वो जो है ना पीछे शालमी का चौक से भी पीछे कहेगा भाई वहां तक अगर आपने जाना है मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन अगर शालमी अंदर तक आप कहेंगे ना तो भाई वो कभी भी जो है नहीं मानते। और क्योंकि वहां पर भाई ट्रैफिक कुछ इस तरह की स्ट्रक हुई होती है ना कि इसमें भी कोई शक नहीं गाड़ी वाले का वहां पर जाते हुए ना लॉस होता है, बेशक वो आप स्क्रैच के हिसाब से देखें या पेट्रोल के हिसाब से देखें वहां पे बहुत ज्यादा टाइम जो है ना वो लगता है। नहीं तो वो सारा वेटिंग में जो होता है वो सारा बिल बन रहा होता है। वो तो उबर पे बनता है या यंगो पे बनता है, इन ड्राइव की अगर बात करें तो उसमें जो फिक्स आता है वही आता है। अब नहीं है, अब वो भी चेंज हो गया। वैसे मुझे उसका नहीं आइडिया क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा यूज नहीं की, मैं पहले कैलकुलेट करता कि भाई अगर मैं खुद जाता तो कितना वो पेट्रोल लगता है, अगर मैं उबर पे जाता तो कितना पेट्रोल लगता है, मैं उस हिसाब से जरा कैलकुलेट करके जाता हूँ, फिर एंड में मैं अपनी बाइक पे चला जाता हूँ। हाँ। तो खैर वो बात करते इसकी, लेकिन हाँ भाई आप जो है ना, मैंने इस व्लॉग में जो एक चीज़ देखी
देखी है कि रिक्शे वाले जो है ना काफ़ी सीधे सीधे जा रहे थे, हमारे यहाँ पे तो रिक्शे वाले भाई सड़क पीछे खाली थे ऐसे ही मोड़ देते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी अब जलेबी की। हम लोगों ने बहुत सारी मतलब जलेबियाँ देखी हैं जो कि इंडिया के व्लॉग्स में हम लोग देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जलेबी है वो मुझे आई थिंक एक जगह है जहाँ पर वो काफ़ी बलवन वाली जलेबी होती है, उसका नाम क्या मुझे नाम भूल गया यार, यहाँ पर है उसका कोई खास नाम है जलेबी का, इसी तरह की मोटी मोटी वो जलेबी मिलती है मॉल में, शायद उसके माइंड में नहीं आ रहा, बट ये कि यूजली मैं देखती हूँ या तो पतली वाली होती है या मोटी वाली होती है, रबड़ी वाली मैंने अभी तक नहीं सुनी और ना ही मुझे पता कि यहाँ पर कहीं पर मिलती है। सो इसीलिए जो पाकिस्तानी इन चीज़ों को ट्राई करते हैं मुझे लगता है उनके लिए ये बड़ा एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, और उन और स्पेशली देसी घी में अगर वो बनाई जाती है तो फिर तो बहुत ही मज़े की वो होती है। और हम लोग देखते हैं यूजली जितने भी खाने होते हैं जो इंडियन फूड ब्लॉगर्स के थ्रू हम लोग को देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा खाने देसी घी में ही बने होते हैं। और मुझे जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप जितनी भी खाने वाली जगहों पर जाते हैं ना आपको सफाई सुथराई जो है वहाँ पे नजर आती है बिल्कुल, और इतनी पुरानी पुरानी आपको वो शॉप्स भी नजर आती हैं, लाइक एक तरह से देखा जाए तो लाइक 100-100 साल पुरानी। हाँ। अच्छा मटर वाला जो समोसा वो मैंने कभी नहीं सुना, मुझे मटर खुद इतने पसंद नहीं है, मैं खा लेती हूँ लेकिन इस तरह नहीं कि मुझे मटर का समोसा खाना है, नहीं हमारे आलू का समोसा ही पसंद है। हमारे यहाँ पे आलू वाला, सब्जी वाला, मैक्रोनी वाला, मलाई वाला, ये वाले समोसे इनमें वैरायटी है, पहले तो सिर्फ एक आलू वाला समोसा होता था ये, लेकिन जो है अभी मटर वाला समोसा ये एक नई रेसिपी है, मैंने वैसे कभी नहीं वो तो वैसे कुछ भी आप फीलिंग कर सकते हो, बट मतलब बाजार में अगर हम लोग बात करें तो मटर वाला समोसा मैंने भी नहीं अभी तक नहीं देखा, और मैं खुद भी सच में ट्राई नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मुझे इतने ज्यादा मटर एक साथ खाने पसंद नहीं, हालांकि मटर बहुत क्या पता मैश करके डाले हूं नहीं मैश करके भी डाले हूँ, बट वो टेस्ट ना एक टेस्ट बहुत ज्यादा उसका फ्लेवर आना, मुझे बहुत ज्यादा मटर का फ्लेवर पसंद नहीं है, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर तो फिर भी मैं खा लेती हूँ। एनीवे गाइस ओवरऑल मैं बात करूँ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है ब्लॉग्स देख करके, लाइक डिफरेंट डिफरेंट जगहों को हम लोग देख रहे हैं, ऑल दो नाम हम लोगों ने पहले सुने, बट मुझे लगता है एक ही बाजार के इतनी साइड्स हैं कि जो आप एक ब्लॉग में कंप्लीट नहीं देख सकते, हालांकि इतने सारे ब्लॉग्स देखने के बावजूद भी मैं कहला आप एक दिन में नहीं देख सकते। मुझे भी ये लगता है, मुझे लगता है इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी जगह है कि लाइक आप एक्सप्लोर करने पर आओगे ना तो फिर शायद आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा। एनीवे गाइस ओवरऑल मैं कहूँगी ये बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और चांदनी चौक की सबसे खास चीज़ क्या है खाने में वो ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में, यानी कि आपके अकॉर्डिंग जो आपको टेस्ट में अच्छी लगती है। और इसी के साथ मैं तो हमारे वीडियो चैनल करें गुड बाय।